लगभग दो दिन तक चली भारत के स्पेक्ट्रम नीलामी का आखिरकार अंत हो गया है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो ने बाजी मार ली है। बता दें कि रिलायंस जियो की ओर से देश के सभी 22 सर्किल में स्पेक्ट्रम को खरीद लिया गया है। स्पेक्ट्रम की खरीदारी में रिलायंस जियो ने 57,123 करोड़ रुपए खर्च किए। जियो ने देश में स्पेक्ट्रम को खरीदने के बाद अपनी क्षमता में भी काफी वृद्धि कर ली है। नए स्पेक्ट्रम के साथ जियो के पास अब लगभग 1717 मेगाहर्ट्ज अपलिंक और डाउनलिंक होने वाला है, जो पहले के मुकाबले 55% ज्यादा है। इसका साफ मतलब है कि रिलायंस जियो देश का सबसे मजबूत नेटवर्क बनने वाला है। इस स्पेक्ट्रम को खरीदने के बाद रिलायंस जियो भारत की सबसे मजबूत नेटवर्क बन जाएगी, जिसके पास स्पेक्ट्रम का एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा। बड़ी मात्रा में स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो के साथ रिलायंस जियो 5G लॉन्च की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी ने ऐलान किया था कि वो 2021 के मध्य में जियो 5G को लॉन्च करेंगे। कंपनी ने 5G लॉन्च की और पहला कदम बढ़ा दिया है। इस बड़े स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो के साथ कंपनी जल्द ही अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगी। रिलायंस जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदने में काफी ज्यादा खर्च किए। चूंकि अब रिलायंस जियो के पास स्पेक्ट्रम का एक बड़ा पोर्टफोलियो है, इसलिए कंपनी की कॉल और डेटा की सेवाएं पहले के मुकाबले और अच्छी होने वाली है। अगर हम जियो के अलावा एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने भी अपने नाम कई स्पेक्ट्रम को हासिल किया है। एयरटेल की ओर से 355.46 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लगभग 18,699 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। वोडाफोन आइडिया ने भी अपने 5 सर्किलों में लगभग 1993.40 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम्स की खरीदारी की है। भारत के तीनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर में से सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो ने खरीदा है। रिलायंस जियो के पास अभी भारत में सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो है। कंपनी की कॉलिंग और इंटरनेट सेवाएं पहले के मुकाबले और बेहतर होंगी। साथ ही साथ कंपनी जल्द ही अपने 5G सर्विसेज को लॉन्च करेगा। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।